रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन के जरिए हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। स्वस्थ लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड मिल सके। स्वस्थ और तंदुरुस्त लोग समय समय पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ब्लड डॉक्टर की सलाह के बाद ही डोनेट करना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। कई बार ऐसे लोग भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड डोनेट करना सुरक्षित है? इस बारे में विस्तार से जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज़ के मरीज भी रक्तदान कर सकते हैं। आमतौर पर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेट करना सुरक्षित होता है, लेकिन यह पूरी तरह उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है और आपको कोई अन्य बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। ब्लड डोनेशन से पहले आपको हेल्थ स्क्रीनिंग करानी होगी। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हार्ट डिजीज़ या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें ब्लड डोनेट करने की सलाह नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर ब्लड डोनेशन के बार डायबिटीज के मरीज को किसी भी तरह की परेशानी हो, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से पहले डायबिटीज के मरीजों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। रक्तदान करने से पहले खूब पानी पिए। ब्लड डोनेशन से 1-2 सप्ताह पहले आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं या आयरन सप्लीमेंट लें। 8 घंटे या उससे ज़्यादा की नींद जरूर लें। बैलेंस डाइट लें और समय समय पर कुछ खाते पीते रहें। डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। कैफीन का कम से कम सेवन करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज की दवाइयों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। डॉक्टर के संपर्क में रहें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें।